अस्सलाम वालेकुम एजे अनीनिंग चैनल में तमाम दोस्तों को एक और नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे पास ग्री कंपनी का एयर कंडीशन है, इन्वर्टर एयर कंडीशन है, डक्टिबल एसी हमारे पास। जैसे हम एसी की पावर रिमोट से ऑन करते हैं, हमारी रिमोट कंट्रोल के ऊपर 3 मिनट गुजरने के बाद PU का एरर शो हो रहा है और आउटडोर के ऊपर जो डिस्प्ले लगी है वहाँ पर भी हमें PU का एरर शो हो रहा है। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस PU एरर को फाइंड करने का तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसकी सॉल्यूशन ढूंढनी है। बहुत अच्छी मालूमती वीडियो है, वीडियो को बगैर स्किप एंड तक देखें। जो दोस्त चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि फ्रेंड्स को डेली बेसिस पे न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपने टॉपिक की तरह आते हैं, हमारे पास ये जो ग्री कंपनी का जो एयर कंडीशन है ये डक्टिबल एयर कंडीशन है, टोटल स्मार्ट हमारे पास एयर कंडीशन है। इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है 3-फेज DC कंप्रेसर लगा हुआ है, आउटडोर में कंडेंसर की DC मोटर लगी हुई है, इंडोर में DC मोटर लगी हुई है। हम जैसे रिमोट से AC की पावर ऑन करते हैं 3 मिनट गुजरने के बाद हमारा AC प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, आउटडोर के फ़ैन ऑन हो जाते हैं 3 मिनट गुजरने के बाद, और जैसे ही कंप्रेसर मोड पे जाता है PU का एरर शो करवा देता है। हमने इसकी इन्वर्टर PC बोर्ड है जो इसमें लगा हुआ है ये हमने रिप्लेस किया है। आपने जब भी इन्वर्टर PC बोर्ड रिप्लेस करना है आपने एहतियात के साथ रिप्लेस करना है, और इन्वर्टर PC बोर्ड या कोई भी चीज़ खोलने से पहले आपने तमाम PCB की पिक्चर ले लेनी है। बाद में जब नई आप PCB फिट करेंगे तो आसानी से आपने पिक्चर देके फिट कर लेनी है। आपने कनेक्शन की मिस्टेक नहीं करनी है, एक भी कनेक्शन की अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो हमने इसकी पिक्चर ले ली थी और दोबारा हमने इसमें PC बोर्ड फिट किया है। हमने इसकी IBM के ऊपर अच्छे से फ्लक्स लगा दिया। फ्लक्स का काम होता है हीट को रिलीज़ करना। IBM के और इसका जो हीट सिंक होता है इसके दरमियान कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। आपने अच्छे से इसके स्क्रू टाइट करने हैं। मैंने तमाम स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिए, PC बोर्ड मैंने अच्छे से फिट कर दिया। जब हम AC को दोबारा ऑन करते हैं तो फिर भी हमारा थोड़ी सी देर कंप्रेसर चलता है और फिर बंद हो रहा है, सेम प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमने कंप्रेसर की वाइंडिंग की टेस्टिंग की है, कंप्रेसर की वाइंडिंग की इंसुलेशन बिल्कुल ओके है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक बता रहा है कंप्रेसर। जो कंप्रेसर का पंप है उसमें प्रॉब्लम है, हमने कंप्रेसर रिप्लेस किया है, PC बोर्ड इन्वर्टर्स में रिप्लेस किया है। दोनों चीज़ें रिप्लेस होने के बाद अभी हमारा AC अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी हमारे AC में जो प्रॉब्लम थी वो इन्वर्टर कार्ड की प्रॉब्लम थी और कंप्रेसर की प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम इसलिए आई है कि इसमें जो पाइप था सेक्शन का पंच हो चुका था और AC लगातार अपना जोर लगाता रहा है जिस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आई है। तो हमने इस तरीके से करके हमने इसको रिपेयर कर दिया है। अगर आपके पास नॉर्मल एयर कंडीशन हो उसमें अगर नॉर्मल कंप्रेसर लगा हो तो आप उसका कैपेसिटी या कंप्रेसर चेक कर सकते हैं, अगर आप वो चेंज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास ये जो AC है, ये हमारे पास जो एयर कंडीशन है ये इन्वर्टर एयर कंडीशन था, इसलिए हमने इसका इन्वर्टर कार्ड और कंप्रेसर रिप्लेस किए। अभी अच्छे तरीके से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। मैंने कोशिश की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को अच्छे समझाने की, उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो में काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी किस्म का आपके जहन में सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम याद रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।